हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास टेस्ट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांट्स का थर्ड पार्ट में आ जा रहे हैं, नंबर सिस्टम का, जो कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हमारा ऑलरेडी दो वीडियोस आ चुका है नंबर सिस्टम के ऊपर ही, जहाँ पे हम लोगों ने एचसीएफ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। पहला पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि एचसीएफ को कितने तरीके से आप निकाल सकते हो और एफिशिएंटली एंड जल्दी से जल्दी इसका आंसर्स कैसे ला सकते हो। इसमें मैंने तीन ऐसे मेथड्स बताए थे जिसमें से आप कोई भी मेथड अपने लिए चूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर्स इफेक्टिवली। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एचसीएफ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग की थी, जहां पे एचसीएफ से रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो भी एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो है एलसीएम के ऊपर। हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड देन हम लोग सीखेंगे कितने तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी लर्न द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिस्कशन रहेंगे इस वीडियो में। इसके आने वाले वीडियोस पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम स्पेसिफिकली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में उसके ऊपर। ऑलराइट, सो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो यू वुड हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एलसीएम इज and at the same time you would also have an understanding of the different methods that you could use in order to find the LCM of some given set of numbers. So with that being said, let's start this video. Before moving forward with the video, मैं आपके लिए एक important announcement करना चाहता हूँ और वो ये है कि क्लास टेस्ट ने आपके लिए ऑलरेडी एक फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि आपकी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। इस कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं ए टू जेड कवर्ड अप है, विद टोटल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, अप्रोच का एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पे समझाया गया है इस कोर्स में, जिसके साथ एग्जामिनेशन में आप जल्द से जल्द टाइम स्ट्रिंजेंट मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, हम लोग ये कोर्सेज डिफरेंट फॉर्मेट में रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल किए हैं, जिसमें आपका जो प्रायोरिटी है उस चीज के ऊपर आप कोर्स में ऑप्ट कर सकते हो। और इन सारे कोर्सेज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है, जिसके साथ आपका जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है जिसके साथ आपको एग्जामिनेशन में बैठना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो कोर्सेस है इसका मेन बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जनरल और डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हो और कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डेमो क्लासेस की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है उस पे जा सकते हो। और अगर आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो मतलब होता है वो ये है कि एक सर्टन गिवन नंबर का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है फॉर सम गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक जेनरिक आंसर हुआ, बट मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान के चलो दो नंबर है 2 और 4। ठीक है, और अगर आपको बोला जाता है कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर निकालो, ठीक है, जिस नंबर को आप यूज कर सकते हो और ये जो दो नंबर है अगर उस नंबर के साथ आप डिवाइड करते हो तो प्रॉपरली डिविजिबल होगा और वो नंबर सबसे लीस्ट नंबर होगा इन दोनों के लिए। आई वुड रिपीट दिस अगेन। तो एलसीएम एक ऐसी नंबर है जो फॉर गिवन सेट ऑफ नंबर्स सबसे छोटा नंबर है जो नंबर को आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो प्रॉपरली। सो दीज टू वुड बी द फैक्टर्स ऑफ एलसीएम एंड द एलसीएम वुड बी द लीस्ट मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम एचसीएफ में क्या होता था कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता था जो फॉर गिवन सेट ऑफ नंबर्स, मान के चलो ए और बी का अगर हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ जो भी होगा वो बेसिकली ए से भी डिविजिबल होगा एंड बी को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग एचसीएफ के साथ, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को एक तरीके से डिवाइड कर सकता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को यूज करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। राइट, तो अगर हम लोग देखें इसका तो इसी दो नंबर को
टू एंड फोर का अगर हम लोग एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है दो समझने की कोशिश करें, तो एचसीएफ इसका हो जाता है टू, राइट। कैसे निकाला जाता है? बहुत ही इजी है, टू और फोर को आप एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो, टू टू जर फोर होता है, जीरो रिमाइंडर है, तो टू ऑब्वियसली इसका एचसीएफ हो जाएगा। दिस इज नथिंग एल्स बट मेथड थ्री टू फाइंड आउट एचसीएफ, व्हिच इज द डिविजन मेथड, ऑलराइट। अगर हम लोग एलसीएम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो कि यहाँ पे चार होगा। मतलब चार एक ऐसा नंबर है जो कि लीस्ट नंबर है, जो नंबर को आप दोनों से डिवाइड कर सकते हो। देखो टू और फोर दोनों ये चीज डिवाइड कर सकता है चार को, राइट। तो चार एक ऐसा हाईएस्ट मतलब लीस्ट नंबर है जो इन दोनों के साथ ही जा सकता है, और ये दो नंबर्स ही उसको डिवाइड कर सकता है। बट एचसीएफ एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, करेक्ट। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो नंबर को ये दो डिवाइड कर सकते हैं, एंड एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और वो हाईएस्ट नंबर होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएम, गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम को किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। वो एग्जैक्टली कैन बी फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स को सीखने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहला जो मेथड होगा मेथड वन, ऑलराइट। मेथड वन हम लोग सीखेंगे, तो मेथड वन बहुत ही इजी मेथड है। तो आपको हम लोग दो नंबर्स दे देते हैं, 45 एंड 120, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज मेथड वन टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। हाउ एग्जैक्टली टू डू दैट? तो यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स का जैसे हम लोग एचसीएफ में भी फैक्टर्स निकालते थे, यहाँ पे भी हम लोग फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं। तो 45 का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 45 फाइव नाइन जर, ठीक है, थ्री थ्री जर, थ्री वन जर, करेक्ट। तो 45 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 × 3² करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग 120 का भी फैक्टर्स निकालें, ठीक है, 120 को कैसे लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे लिख लेते हैं 260, राइट, 230, 215, 5331, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 120 का अगर हम लोग लिखेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा? 2 का कितना सारा पावर से? 1, 2, 3, तो 2 क्यूब, राइट, इंटू 5, राइट, इंटू 3, ओके। तो ये सारी चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को हर एक नंबर जो दोनों में विजुअल है, दोनों में अपेयर कर रहा है, उसका हाईएस्ट पावर लेना है। आई वुड रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन, हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स में जो हाईएस्ट आपका अपियरेंस बन रहा है किसी भी नंबर का, जो एक बार के लिए भी अपियर कर रहा है, उसका भी हाईएस्ट फैक्टर जो हो रहा है, उन सबको एक साथ इकट्ठा करना है, एंड यू हैव टू फाइनली मल्टीप्लाई देम। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले, देखो तो हमारे पास क्या क्या ऐसा नंबर है, देखो 5 है, 3 है और 2 है, करेक्ट। यही यही नंबर हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक नंबर का अपियरेंसेस को ले लेंगे जो मैक्सिमम है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 था, 3 है और 5 है, करेक्ट। 2 का मैक्सिमम अपियरेंस कितने बार है? 3 बार, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 का यहाँ पे मैक्सिमम अपियरेंस कितने बार है? देखो 2 बार है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे टू द पावर 2। 5 का मैक्सिमम अपियरेंस एक सर्टेन फैक्टराइजेशन में कितनी बार है? एक बार ही है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हम लोगों को सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 क्यूब क्या होता है? 2 क्यूब आपका हो जाता है नथिंग एल्स बट 8, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, एंड 5 यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जा रहा है? हमारे पास आ जा रहा है 72 इंटू 5, तो 72 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 टू 10, 7 फाइव 35, 136, 360 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो 360 से छोटा है और 45 और 120 उस नंबर को एक साथ डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो देखो आप 360 45 से भी डिविजिबल है और 360 120 से भी डिविजिबल है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज नो नंबर लेसर देन 360 व्हिच दीस टू नंबर्स कैन डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा मेथड वन है जिसके थ्रू हम लोग एलसीएम करके निकाल सकते हैं, गॉट इट। तो ये हमारा मेथड वन हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इसी का एक दूसरा मेथड, दैट इज नोन एज मेथड टू,
ठीक है, तो मेथड टू को भी हम लोग अच्छी तरीके से अब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे हम लोग एचसीएफ भी निकालते थे उसी तरीके से ये भी फॉलो होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। याद रखना, जब हम लोग एचसीएफ निकालते थे तब हम लोग क्या करते थे, बस इसका हम लोग क्या करते थे, जिस जो भी ऐसा नंबर्स है जो कॉमन है तीनों में या फिर दोनों में फॉर अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, उन्हीं को हम लोग उठा लेते थे। ठीक है, राइट। तो अब हमारा जो सेकेंड मेथड होगा, इसमें सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसका एलसीएम और एक तरीके से सीखा जा सकता है। तो अगर हम लोग मेथड टू देखेंगे, तो मेथड टू में हम लोगों को करना क्या है कि सिंपली हम लोगों को जो दो नंबर है वो दो नंबर से एक साथ लिखना है, राइट। एंड हम लोगों को इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स के बेसिस में, जब तक ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इन दोनों में से अगर हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री से यहाँ पे आपका 15 चला जाएगा एंड यहाँ पे 40 चला जाएगा, राइट। फर्दर अगर हम लोग देखेंगे 5 से, 5 3s और 5 8s। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको फर्दर डिवाइड कर सके, राइट। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर आपको निकालना है, एचसीएफ के टाइम में अपन क्या करते थे, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे, करेक्ट। बट एलसीएम के टाइम में आपको क्या करना है कि सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 8 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप अगर इसको उस तरीके से देखोगे तो एग्जैक्टली सेम तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा, एंड योर आंसर ओवर हियर वुड बी बेसिकली यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 5 40, और वहां पे 14 इंटू 9 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 360। तो दोनों टाइम में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। So these are basically the two methods that we are going to use in order to find out the LCM of a given number. I hope ये चीज आपको clearly समझ में आ गया, right? अब हम लोग कुछ examples देखते हैं and we have to try different kinds of problems in order to have a good hold over this. ठीक है? तो एक example लेते हैं, मान के चलो कि 75 एक number है, 150 एक number है and 275 एक number है। अब इन तीनों का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मेथड वन और मेथड टू दोनों इंडिविजुअली आप यूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड वन का इस्तेमाल करें, राइट। तो मेथड वन को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 75 को हम लोग को ब्रेक डाउन करना है, राइट। तो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, 5 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 25 3s 75 होता है, करेक्ट। 150 को अगर हम देखेंगे तो 150 ट्वाइस ऑफ 75 होता है, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, करेक्ट। एंड अगर हम लोग फाइनली 275 को देखेंगे तो 275 का अपन कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, राइट। तो 275 का अगर हम देखेंगे तो 5 से ये जाता है डायरेक्टली, राइट। तो 5 55 इज़ द, ठीक है। और फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो 5 को फर्दर अपन कर सकते हैं 5 11, राइट। तो ये 5 स्क्वायर इंटू 11 हो जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम वी जस्ट हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द नंबर्स दैट आर कमिंग ओवर हियर। तो जो भी सारे अपीयर कर रहे हैं नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो भी अपीयर कर रहे हैं, सबका हाईएस्ट पावर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग उठाना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्क्वायर अपने पास है, राइट। तो 5 स्क्वायर हाईएस्ट ऑफ 5 है, देखो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये सारे नंबर्स अपने पास है। अब इसका इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना पॉसिबल है इन सारे गिवन फैक्टराइजेशंस में। तो देखो यहाँ पे आप 5 स्क्वायर देख रहे हो हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 2 में हाईएस्ट क्या है, देखो 2 में एक ही है, तो 2 के ऊपर 1 लगा देते हैं। 3 में हाईएस्ट कितना है, देखो 3 में भी एक ही है, राइट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 का हाईएस्ट जो अपियरेंस हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1, 11 का भी 1 है। तो इन सबको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 6 इंटू 11, 25 इंटू 6 150 इंटू 11। कोई भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली 150 लिखो और नीचे ऐसे 150 लिखो, तो 1650 आ जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1650, गॉट इट। तो ये हमारा मेथड वन था, नाउ वी वुड यूज मेथड टू इन ऑर्डर टू फाइंड द सेम एलसीएम। ठीक है, तो मेथड टू में हम लोग क्या करेंगे, सारे को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों को लिख लिए एंड वी हैव टू इंडिविजुअली फाइंड दैट, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर है जो तीनों के साथ जाता है तो हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 हम लोग देखो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 55, करेक्ट। फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो अब क्या है,
कि यहाँ पे 5 वापस चला जाएगा, 5 3 15, 5 2 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 11 सर, राइट, सॉरी ये 5 6 हो जाएगा। फाइनली अगर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जब HCF निकालते थे तो जब 3 6 11 अगर एक साथ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको फर्दर आप नहीं डिवाइस करोगे, राइट, फर्दर आप फैक्टराइज करोगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर नहीं है। बट एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तब हम लोग इन तीनों में से अगर दो नंबर्स भी कट रहे हैं तो भी उसको कंसिडर करेंगे, इवन एक नंबर भी कट रहा है तो भी अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो 3 और 6 देखो दोनों 3 से जाएगा, 11 नहीं जाएगा, तो अपन 3 से 1, 3 2 6 और 11 को बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो कि ये तीनों के तीनों नहीं जा सकता है, राइट, किसी भी नंबर्स के साथ, राइट, इनमें से दो नंबर्स भी मिनिमम कोई भी नंबर्स के साथ डिवाइड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, तो हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11, देखो एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है, तो 25 इंटू 6 इंटू 11, राइट, तो ये आपका 150 इंटू 11 अगेन, और फाइनल आंसर 1650 आपका आ जा रहा है। देखो एकदम सिमिलर तरीके से आपको करना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा बस डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दिया कि अगर मान के चलो ऐसे 4 6 11 ऐसा एक नंबर आया तो 4 और 6 दोनों 2 के साथ तो जाता है, बट 11 नहीं जाता है, तो 11 को एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो और कंटिन्यू करते रहो जब तक तीनों के तीनों नंबर्स में से कोई दो नंबर भी एक दूसरे के साथ, मतलब एक सर्टेन नंबर के साथ नहीं जा रहा, तो तब तक इसको फैक्टराइज करना है, यही बस डिफरेंस है। अगर आप HCF का कर रहे होते तो 3 6 11 की तरफ ही आप रुक गए होते और 5 5 आप डायरेक्टली वहां पे इसी का इन दोनों नंबर्स को कंसिडर करके HCF आप निकाल लेते, करेक्ट, बट यहाँ पे बस इतना सा ही डिफरेंस है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो और एक लेवल आगे जाते हैं, एंड नाउ दिस टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। तो 4 नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल फिनिश ऑफ विद द नंबर्स पार्ट, ठीक है। तो 4 नंबर्स के हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो 15 18 32 एंड मान के चलो 48, ठीक है, ये 4 नंबर अपने पास है। तो नाउ यूज मेथड 1 एंड मेथड 2 टू फाइंड द एलसीएम, और ये खुद ब खुद आप ट्राई करने की कोशिश करो बिकॉज दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मेथड 1 का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो मेथड 1 का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 15 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5, करेक्ट, 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट, तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जा रहा है, राइट। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 32 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, तो ये 2 टू द पावर 5 अपन लिख सकते हैं 32 को। अगर 48 को देखेंगे तो 48 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, राइट, तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या क्या नंबर्स है, देखो 3 है 3, 5 है 5, 2 है 2, इसके अलावा कुछ भी और नंबर है क्या, नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो हाईएस्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर हाईएस्ट अगर इसका कुछ भी विजुअल आया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ टाइम्स अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन सबको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो 3 का अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट 3 स्क्वायर है, राइट, तो 3 टू द पावर 2 लिख देंगे, करेक्ट। अगर हम लोग 2 का देखेंगे तो 2 का क्या है, हाईएस्ट 5 है, तो 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। 5 का अगर हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 5 का अगर देखे तो हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा, दैट वुड बी द आंसर व्हिच वुड बी द एलसीएम ऑफ दिस 4 नंबर्स। नाउ अगर हम लोग मेथड 2 को अप्लाई करेंगे फॉर द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, तो मेथड 2 को अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली 15 18 32 और 48 चारों को एक साथ लिख देंगे। अब हम लोग देखो यहाँ पे एक नंबर 5 के साथ डिविजिबल है, ये तीनों के तीनों 2 के साथ डिविजिबल है, राइट, तो जो आपका 3 2 के साथ डिविजिबल है उसको 2 के साथ हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, बट जो 15 है वो 15 को जैसे का वैसा ही रखेंगे। तो 2 के साथ अगर जाएगा तो 2 15, यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे 2 16 32 एंड यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 15 9 16 24 है, ठीक है, इसमें से 2 इन दोनों के लिए जा रहा है बट बाकी तो सेम का सेम अपन रख सकते हैं। तो 2 के साथ यहाँ 15 रख दो, 9 रख दो, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग 3 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो 15 आपका 3 के साथ जाएगा, 9 जाएगा, 12 भी जाएगा, तो 3 के साथ 3 5 15, 3 3 9, 8 जैसा का वैसा रख देंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा।
अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो देखो टू के साथ ये दो नंबर जा रहा है, तो कोई भी अगर दो नंबर भी जा रहा है ना तो उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 4 8 और ये 2 2 4। अगर फर्दर देखेंगे तो 2 के साथ वापस जा रहा है 5 3, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 1। अब देखो 5 3 2 1 में से कोई दो नंबर भी नहीं है जो एक कॉमन डिवाइजर के साथ जा सकता है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जाके फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे। तो 2 में देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे अपन 2 2 5 लिख देंगे। 5 देखो 1 ही है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 3 देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, तो 3 2 2 लिख देंगे, करेक्ट। तो एग्जैक्टली सेम ही नंबर आ रहा है, देखो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 5 2 1 5, 2 2 5 2 2 5। तो आंसर आपका एग्जैक्टली सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 4 4 0। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी सर्टेन नंबर का, गॉट इट। अब हम लोग निकालेंगे एक दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत काम आएगा, एंड दैट इज टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोगों को अब तो पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि एलसीएम हम लोग किस तरीके से निकालते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है, राइट। तो ये चीज हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो 3 अगर आपके पास नंबर है, ठीक है, मान के चलो 3 है, 2.7 है, एंड अगर आपके पास 0.09 है, ये 3 नंबर्स आपके पास है, ठीक है, एंड इफ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, तो एचसीएफ में मैंने आपको एक तरीका समझाया ये चीज करने का, बिल्कुल सेम तरीका है, फर्स्ट अप्रोच एग्जैक्टली सेम है, उसके बाद एलसीएम जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। HCF का मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसे सिचुएशंस आ जाता है तो आपको सारे नंबर्स को सेम प्लेटफॉर्म में लाना होता है। तो अगर देखोगे इस पर्टिकुलर नंबर्स का 2 डिजिट पहले पॉइंट है, इसमें देखो 1 डिजिट पहले पॉइंट है, और इसमें देखो कुछ है ही नहीं, तो सबको अगर सेम प्लेटफॉर्म में लाना है तो 3.00, 2.70 एंड इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.09 लिख सकते हैं। अब इस सिचुएशन में हर एक नंबर के देखो 2 डिजिट पहले ही पॉइंट है, तो आपका सेम प्लेटफॉर्म में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जस्ट एक नंबर वाइज इन लोगों को सेम तरीके से लाना है। तो 300 अगर हम लोग तीनों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, जस्ट टू ब्रिंग देम इनटू नंबर फॉर्म्स। अब हम लोग इसका सिंपल एलसीएम का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो लेट्स अप्लाई मेथड 2 ओवर हियर। तो 300 अपने पास है, 270 अपने पास है, 9 अपने पास है, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 300 से जाएगा, 390 से जाएगा, 33 से जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग एलसीएम निकालें इसका, तो 3 से यहाँ पे 100 जाएगा, 30 जाएगा, और यहाँ पे 1 जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 5 20 6 और 1, 2 से उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1, राइट। तो ये पूरा चीज यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इससे फर्दर हमारा जा नहीं सकता, 30 30 into 2 60 65 क्या होता है आपका, 65 हो जाता है 300 300 into 9 300 into 9 अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा आपका 2700। तो 2700 आपका एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम आया, इन 3 नंबर्स का एलसीएम आया। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल माइट मेक अ मिस्टेक, हम लोगों को इन 3 का एलसीएम चाहिए, तो वी मल्टीप्लाइड देम विद 100, करेक्ट। तो अब हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉट इट। तो आपको सिंपली पहले उसको एक सेम प्लेटफॉर्म में लाना है, ब्रिंग देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, देन मल्टीप्लाई विद दैट गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स दैट दे आर बैक्ड विद, ठीक है। तो आपके पास वो सेट ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, और सेट ऑफ नंबर्स आने के बाद उसका एलसीएम निकालो, और जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा था उतने जीरो से उसको वापस डिवाइड कर दो, एंड यू विल गेट द फाइनल एलसीएम एज एन आंसर, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है डेसिमल नंबर्स के साथ एलसीएम निकालने का। एचसीएफ में भी बहुत ही मैंने अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया था, तो आई डोंट थिंक इसको फर्दर समझाने की जरूरत है। मूविंग फॉरवर्ड वी वुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स का हम लोग एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं, नाउ दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो मान के चलो 2 फ्रैक्शन है 2/3 और 2/5, ठीक है।
इनका दो तरीका है। देखो, एक तो आपके पास HCF जब निकालने बोलते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। ये आपका तरीका है टू फाइंड आउट द HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। LCM ऑफ फ्रैक्शंस अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो अगर इसका निकालेंगे, ऊपर का अगर हम लोग निकालेंगे, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देखो HCF ऑफ 2 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। तो HCF ऑफ 2 क्या होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 2 इटसेल्फ, राइट। तो HCF ऑफ 2 आपका 2 इटसेल्फ होता है और यहां पे आपका 15 आ जाएगा, सो दिस विल बिकम द HCF, ठीक है। अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM के टाइम में LCM निकालेंगे ऊपर का तो 2 का, और HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का तो 3/5, ठीक है। तो LCM ऑफ 2 2 क्या हो जाएगा आपका, LCM ऑफ 2 और 2 आपका 2 ही होगा, करेक्ट। एंड आपका HCF ऑफ डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 है 5 है, 3 वन जर 3, ठीक है, 2 यहाँ पे 3, 2 वन जर 2, 1 2 2 जर, तो 1 आपका हो जा रहा है HCF, तो यहाँ पे 2 बेसिकली 2 आपका हो जाएगा LCM ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शंस। तो सिंपल ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर फाइंडिंग आउट HCF एंड LCM। HCF का मैंने बताया था, बट क्योंकि उस टाइम LCM का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी सारे LCM रिलेटेड मेथड्स है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस जहां पे आप LCM किस तरीके से निकाल सकते हो, वो सारे के सारे केसेस मैंने डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।